हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, कक्षा 10 में गणित विषय में आज दोस्तों हम वही अपना पुराना चैप्टर चैप्टर नंबर 0 जिसका नाम हमने दिया है गुणनखंड, वह चालू कर रहे हैं। हम और आप पिछले 4 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दोस्तों फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम 20 तक पहाड़े याद कर लें और कम से कम 20 तक वर्ग याद करें, उसके बाद आने वाली विधियां आपको समझ आएंगी। आज दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी विधि मेथड नंबर 3 सीखने वाले हैं। 2 मेथड हम पहले सीख चुके थे। पिछले 2 दिनों से हम दोस्तों कॉमन निकालना सीख रहे थे। वो कॉमन निकालना सीखने के पीछे भी महत्व का एक कारण था दोस्तों कि उसके बिना हमको ये मेथड नंबर 3 नहीं आती। मेथड नंबर 3 बहुत 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 IMP विधि है, क्योंकि इसी विधि के आधार पर आपको सवाल 4थी और 5वीं विधि के समझ आएंगे। दोस्तों मेथड नंबर 3 में देखें, यहाँ पर अगर आपको दिया है, मान लीजिए x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। दोस्तों न्यू मेथड है, ध्यान देंगे हम, इसका कोई सूत्र नहीं है, इसके सूत्र मौखिक बात करने पर ही है। दोस्तों मैं और आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 पद हैं। अब दोस्तों याद रखें, रीति नंबर 3 में यदि बहुपदी, पहले बहुपदी यानी जब बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपदी कहते हैं, यदि दोस्तों बहुपदी में 4 पद हों तो हमेशा दोस्तों मेरे को आपको दो दो की जोड़ी बनानी है। दो दो की जोड़ी मतलब ये दो अलग, ये दो अलग। याद रखिए मेथड नंबर 3 है, यदि बहुपदी में 4 पद हो तो दो दो की जोड़ी, दो दो की जोड़ी मतलब ये 2 में से पहले हमको कॉमन निकालना है, फिर बाकी के 2 में से हमको कॉमन निकालना है। दोस्तों इन दोनों में हमने कॉमन देखा, दोनों में x का भाग जा रहा है इसलिए कॉमन ले लिया मैंने x, x वर्ग था, x वर्ग में से x गया बचा x प्लस, x का x बाहर आ गया बचा 7 प्लस, या बीच में प्लस है तो प्लस लिखे, माइनस हो तो माइनस। ऐसी संख्या ढूंढी जिसका 3 में भी जाए 21 में भी जाए, यस दोस्तों 3 है, 3 ले लिया। क्या बचा, एक्स यहाँ यहाँ नहीं है तो एक्स नहीं आएगा, 3 का 3 निकल गया बचा एक्स प्लस, 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा, 21 आया, 7 बार। दोस्तों याद रखिए ये पद और ये पद हमेशा समान होना चाहिए। अगर ये दोनों में प्लस माइनस का भी अंतर आ गया, चिन्ह कुछ भी अलग आ गया, तो मतलब आपसे गलती हुई। दोस्तों जब ये दोनों 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 एक जैसे दिखे उन दोनों को साथ में लिख देना है, और बाकी जो बाहर बचा है उनको एक अलग ब्रैकेट में लिखना है, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, किसी ने आपको कहा x का वर्ग माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10। फिर से मैं देख सकता हूँ दोस्तों बहुपदी में 5 4 पद है, दो दो की जोड़ी, ये दो अलग, ये दो अलग, इन दोनों में मैंने कॉमन देखा दोस्तों, कॉमन आया मेरे पास में एक्स, एक्स वर्ग में से एक्स गया एक्स माइनस, क्या बचा दोस्तों, एक्स तो निकल गया है बचा 5 प्लस, इन दोनों में ढूंढिए किसका भाग जा रहा है, यस दोस्तों किसका भाग जा रहा है, 2 का, यहाँ एक्स है यहाँ नहीं है, एक्स नहीं जाएगा कोई बात नहीं, 2 निकल गया बचा एक्स माइनस, बीच में जो चिन्ह है वही लिखना है, माइनस का माइनस, 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा, 10 आया, 5 बार। मैं और आप देख सकते हैं दोनों समान आ चुका है, अगर समान है तो ही सही है, अगर समान नहीं है तो गलत हो गया। जो दोनों एक जैसा है उनको साथ में लिख देना है, जो बाहर है उनको अलग ब्रैकेट में लिख देना है। और दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह की। मान लीजिए आपको किसी ने कहा x का वर्ग माइनस 6x माइनस 3x प्लस का 18। चलिए दोस्तों फिर से एक बार, यहाँ पर बहुपदी में कितने पद हैं, 4 पद हैं, 4 पद हैं, दो दो की जोड़ी पड़ी, ये 2 अलग, ये 2 अलग, कॉमन निकाला दोस्तों दोनों में, क्या कॉमन है, एक्स, एक्स कॉमन नहीं गया, क्या बचा एक्स माइनस, एक्स का एक्स तो बाहर आ चुका है, क्या बचा है 6, माइनस का माइनस। ऐसी संख्या ढूंढे जिसका 3 में भी जाए 18 में भी जाए 3, एक्स यहाँ यहाँ नहीं है, जाने दो कोई बात नहीं। एक नियम याद रखिए, अगर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 3 निकल गया बचा एक्स, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदलेगा, उतरना चाहिए था प्लस लेकिन उतरेगा माइनस, क्यों, तो याद रखिए अगर कोष्ठक के बाहर माइनस हो तो ही अंदर का चिन्ह बदलना है, अगर यहाँ प्लस होता तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलते। 3 का पड़ा कितनी बार पड़ा, 18 आया, 6 बार। ये दोनों समान है मतलब ओके है सवाल, एक्स माइनस 6 जो बचा उनको अलग ब्रैकेट में लिखा, एक्स माइनस 3। फिर से एक बार दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया गया एक्स का वर्ग प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। फिर से दोस्तों बहुपदी में 4 पद हैं, दो दो की जोड़ी पड़ी, ये 2 अलग, ये 2 अलग,
कॉमन निकाला दोस्तों, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा x प्लस, सात बचा, बीच में काई का चिन्ह है माइनस का, ऐसी संख्या ढूंढी जिसका दो में भी जाए चौदह में भी जाए दो, यहाँ x है यहाँ x नहीं है जाने दो कोई बात नहीं, दो निकल गया बचा x, कोष्टक के बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदला प्लस हो गया, दो सत्ते चौदह आ चुका है दोस्तों मेरे पास में, दोनों एक जैसा कौन है, यस दोस्तों x प्लस सात है, कौन बचा मेरे पास x माइनस दो। इसी तरह से मान लीजिए दोस्तों मुझे दिया गया है 6x का वर्ग प्लस का 4x प्लस का 9x प्लस का 6। चलिए दोस्तों फिर से एक दो तीन और चार पद है, चार पद है दोस्तों, दो दो की जोड़ी पड़ी, ये दो अलग ये दो अलग, दोस्तों दोनों में किसका भाग जा रहा है, छः और चार दोनों में दो का भाग जाता है, दो लिया, क्या दोनों में एक्स है, हाँ है, तो एक्स भी ले लिया, दो का पहाड़ा कितनी बार पड़ा, छः आया तीन बार, एक्स वर्ग में से एक्स गया क्या बचा एक्स प्लस, दो का पहाड़ा कितनी बार पड़ा चार आया दो बार, एक्स का एक्स निकल गया जाने दो प्लस का प्लस, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका नौ में भी जाए छः में भी जाए, यस दोस्तों ऐसा कौन है, तीन है, तीन बार ले लिया, तीन त्रिक का नौ तीन एक्स प्लस, तीन का पहाड़ा कितनी बार पड़ा छः आया दो बार, देख सकता हूँ मैं ये दोनों समान आ गया नहीं, ओके सवाल हो गया मेरा तीन एक्स प्लस दो और दो एक्स प्लस तीन। दोस्तों इसी तरह से मैं छठे सवाल को ले रहा हूँ, छठा सवाल मान लीजिए मुझे दिया है 8x का वर्ग माइनस 2x प्लस का 4x और माइनस का 1। चलिए दोस्तों फिर से चार पद है, दो दो की जोड़ी, कॉमन निकाल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 8 और 2 दोनों में किसका भाग जाता है, 2 का, क्या दोनों में x है, यस है, x भी निकल गया, 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा 8 आया 4 बार, x वर्ग में से x गया x बचा माइनस का माइनस, दो का पहाड़ा कितनी बार पड़ा दो आया एक बार, एक्स का एक्स निकल गया जाने दो प्लस का प्लस, यहाँ दोस्तों ऐसी संख्या ढूंढी जिसका चार में भी जाए एक में भी जाए, कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ एक्स है यहाँ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैंने आपको बताया था जब कुछ कॉमन ना हो तो एक आता है और ब्रैकेट ऐसा के ऐसा लिख देने का, जब कुछ भी कॉमन ना हो एक लिख कर ब्रैकेट ऐसा के ऐसा, देख सकते हो दोनों एक जैसा है, चार एक्स माइनस एक और दो एक्स प्लस एक। दोस्तों एक अंतिम सवाल आज के लिए, किसी ने आपको कहा 5x का वर्ग माइनस 10x प्लस का 3x माइनस 6, देखता हूँ दोस्तों यहाँ पर फिर से मेरे पास में चार पद हैं, दो दो की जोड़ी बनाई, ये दो अलग दोस्तों कॉमन आ गया मेरे पास में 5x, 5 निकल गया x वर्ग में से x गया x माइनस, 5 दूनी 10 प्लस का प्लस, दोनों में तीन का भाग जा रहा है तीन भी ले लिया बचा x माइनस दो, बाहर आ चुका है दोस्तों दोनों एक समान है x माइनस दो, कौन बचा 5x प्लस तीन। दोस्तों आज आपको 10 सवाल दिए जाएंगे जिसमें पहले सात सवाल जो होंगे इसी रीति के होंगे, जबकि अंतिम तीन सवाल आपकी मेथड नंबर एक और दो जो आपने सीखी थी उसको रिवाइज करने के लिए तीन सवाल होंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तुम्हारे दोस्त इसमें ज्वाइन हो ऐसा कीजिए, क्योंकि कुछ ही लगभग सोमवार या मंगलवार से हम दोस्तों हमारा पाठ चालू कर देंगे, मुंडन खंड दोस्तों बेसिक ज़रूरत है जो हमको सीखना ही है। थैंक यू दोस्तों।